नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को उत्तराधिकारी घोषित किया है, तब से जेडीयू के भीतर घमासान मचा हुआ है। एक नमूना कुछ दिन पहले आपने देखा कि किस तरह से उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी छोड़ दी। उन्होंने कहा कि हमें मंजूर नहीं है कि तेजस्वी यादव को उत्तराधिकारी घोषित किया जाए। अब जेडीयू के पूर्व सांसद मीना सिंह ने भी इसके खिलाफ मोर्चा खोले बैठी हुई हैं। उन्होंने भी जेडीयू छोड़ने का ऐलान कर दिया, इस्तीफा दे दिया है और साथ ही साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में भी कहते हुए नजर आई है कि जंगल राज की वापसी हो गई है। 2015 का जो दशक था वो वापस बिहार में लौट आया है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरी तरह से चुप है, अपनी चुप्पी नहीं तोड़ रहे हैं। और जिस तरह से उन्होंने तेजस्वी यादव को उत्तराधिकारी घोषित किया है, हम इस बात से इनकार करते हैं और हमें उनका यह फैसला मंजूर नहीं है। आगे और क्या कुछ कह रही है पूर्व सांसद मीना सिंह, पहले आप वो सुने। अब जेडीयू का फैसला इस तरह का हो गया है कि अपराधी बेवजह अपराध कर रहे हैं और उनके अपराध पे कोई कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो जैसे लग रहा है कि 2005 के पहले की सरकार कहीं फिर ना आ जाए। जनता बहुत डरी हुई है, बहुत सहमी हुई है और उन लोगों के डर को देख करके, नीतीश कुमार जी के फैसले को देख करके हम सोचे कि अब इनका फैसला मेरी समझ से बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए हम पार्टी छोड़ दिए। तेजस्वी को उत्तराधिकारी बनाने की फैसला कहीं आप लोग नहीं, नहीं, तेजस्वी के फैसले से मुझे कोई आपत्ति नहीं है और ये हम नहीं कह रहे हैं कि तेजस्वी के फैसले से, लेकिन उत्तराधिकारी जो माना, हाँ बिल्कुल उत्तराधिकारी उनको बनाए हैं। अभी उस पे थोड़ा सा हमको ये है कि अभी जब नीतीश जी को खुद शासन काल संभालना चाहिए था, देखना चाहिए था, अभी वो खुद देखते तो अच्छा रहता, हमारे ख्याल से अपराध कंट्रोल होता। आगे का क्या निर्णय है, पार्टी आज छोड़ा है आपने? हमारे कार्यकर्ता लोगों से बातचीत होगी और जैसा वो कहेंगे वैसा हम करेंगे। सुना आपने पूर्व सांसद मीना सिंह क्या कुछ कह रही थी। साफ तौर पे उनका कहना है कि जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को उत्तराधिकारी घोषित किया है, ये हम लोगों के समझ से बाहर है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जंगल राज की वापसी हो गई है, लोगों के भीतर डर पैदा हो गया है, 2015 का जो दशक था वो फिर से ही वापस लौट आया है, ये फैसला हमें मंजूर नहीं है। हम सैकड़ों समर्थकों के साथ बैठक करेंगे और बैठक के बाद क्या कुछ फैसला होगा ये हम आपको बाद में बताएंगे, ऐसा कहना है जेडीयू के पूर्व सांसद मीना सिंह का। आगे और क्या कुछ कह रही थी मीना सिंह वो आपने सुना। तो फिलहाल के इस अपडेट में बस इतना ही, आगे क्या कुछ निकल कर आता है ये बताते हैं आपको अगली अपडेट में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लें। धन्यवाद।